नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। और जेटेट को लेकर के एक नोटिफिकेशन इस समय में वायरल हो रहा है। इस नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि ये एग्जाम होगी, सितंबर में फॉर्म फिलअप होगा, अक्टूबर तक स्क्रूटनी होगी और नवंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी। इसके लिए एक साइट है, साइट का नाम भी जेटेट के नाम से है, लिंक बताया गया है। और आपको बता दें कि जेटेट 2019 करके इसमें विज्ञापन आ रहा है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप में और उन्होंने पूछा है कि क्या ये सच है। आज हमें खुलासा करने जा रहे हैं कि क्या ये सच है। हमने इसके लिए जिस तारीख से ये विज्ञापन आया है उसके बाद हमने इसका पड़ताल करना शुरू किया। हमने पड़ताल में ये देखा कि उस समय की किसी भी न्यूज पेपर में तो ये न्यूज आई होगी, चाहे वह झारखंड के जो प्रतिष्ठित जितने भी अखबार हैं, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर। इसके अलावा हमने दूसरे भी अन्य अखबारों की ई पेपर को हमने देखना चाहा और साथ ही साथ उसकी ऑफलाइन पेपर को भी देखा। दोनों में कहीं भी इस बात का जिक्र पूरे अगस्त महीने में नहीं हुआ है कि जेटेट ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है और जेटेट जो है वो नवंबर महीने में होगा। तो फिर अब ये विज्ञापन आया कैसे और क्यों लाया गया, बड़ा सवाल उठता है। हमने जब पूरी खबर की पड़ताल की तो पता चला कि इसे बहुत चालाकी से यूज किया गया है। चालाकी ये कि जेटेट के नाम से जो विज्ञापन दिख रहा है, जेटेट की अधिकृत संस्था जो जेटेट की परीक्षा को लेती है वह है जैक, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल। लेकिन जैक के वेबसाइट पर ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। हमें लगा कि ये खबर फर्जी हो सकता है तो हमने इसकी और भी पड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? हमने देखा कि विज्ञापन में 1,000 रुपये और 500 रुपये की फीस मांगी गई है और विज्ञापन में जो चीज दी गई है इससे बेरोजगार युवकों को क्या फंसाने का ये कोई नया तरीका है? हमने जब पूरी पड़ताल की तो पता चला कि सीटेट ने अपने वेबसाइट को सीटेट.nic.in के नाम से जारी किया है और फर्जीवाड़े करने वाले लोगों ने बहुत चालाकी के साथ सीटेट के ही नाम से सीटेट.co.in के नाम से एक नया वेबसाइट बना लिया है, यानी कि NIC और CO के नाम से ये अंतर हुआ है। अब आपको जानकर के अचरज होगा कि जब आप सीटेट की लिंक को खोलेंगे तो सीटेट के लिंक में जेटेट 2019 का विज्ञापन आ जा रहा है। भला ये कैसे संभव है? क्या सीटेट ही जेटेट की परीक्षा लेती है? क्या जेटेट का अब आगे आने वाले समय में सारा एग्जाम जो होगा क्या वो सीटेट वाले लेंगे? इसलिए इसको केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड के कर्मचारियों से जब हमने बात किया तो पता चला कि ये उनकी आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, किसी ने इस वेबसाइट को बनाया है और 2019 में ही ये वेबसाइट बना है। यानी कि इस वेबसाइट में जिसमें जेटेट परीक्षा होने का दावा किया जा रहा है, जब आप पिछले साल की वैकेंसी के बारे जानना चाहेंगे, पिछला रिजल्ट देखना चाहेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए ये दावा पूर्ण रूप से गलत है कि झारखंड का जेटेट परीक्षा 2019 वाला नवंबर में होगा और फॉर्म इसकी आ गई है। हम सारे लोगों से आगाह करेंगे कि आप इस वीडियो को बड़ी संख्या में मैसेज करें ताकि इस फर्जीवाड़े में लोग बच सके और उनकी कीमती समय के साथ पैसा 1,000 रुपये अगर 1,00,000 स्टूडेंट जमा कर देते हैं तो जो फर्जीवाड़े करने वाले लोग हैं वे करोड़ों में इनकम कर लेते हैं। और ऐसा पिछली बार भी हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को दिखता वही चीज है जो देखना चाहते हैं और ऐसे में वो फंस जाते हैं। यानी कि मिलते जुलते नामों से धोखा आपको नहीं खाना है, आपको आधिकारिक वेबसाइट सीटेट.nic.in पर जाना है, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। सीटेट.co.in फर्जी वेबसाइट है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है, CBSE का नहीं है, लेकिन इस पर इस प्रकार से ये साइट बनाया गया है जिसमें लोगों को ठगा जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपको हम बता दें कि इस विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट जेटेट इज मैनेज्ड थ्रू द झारखंड एकेडमिक काउंसिल
टू सेलेक्ट द टीचर फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल इन द स्टेट ऑफ झारखंड द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई इन दिस टेस्ट बाय फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ विजिटिंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जब आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं है, ये आपको स्पष्ट कर दे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं कि एवरी ईयर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू सेलेक्ट द कैंडिडेट एज ए टीचर, ये कहीं से फॉर्मेट को उठाया गया है और उस फॉर्मेट को इसी प्रकार से डाल दिया गया है झारखंड टीचर एमसी टेस्ट के लिए। और इसके बाद है कि एज पर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड थ्रू द अथॉरिटी कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ झारखंड एकेडमिक काउंसिल। सारी चीजें लिखी हुई हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ही साइट पर आपको करना है, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट पर करना है तो आप ये जेटेट एप्लीकेशन फॉर्म जब आप देख रहे हैं और इस साइट को जब आप क्लिक करेंगे तो ये कोई भी चीज जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नहीं, आप इसमें देखिए कहीं भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई साइट नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर www.iispaper.net.jtet एप्लीकेशन फॉर्म है जो जैक के साइट नहीं है, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सीटेट का साइट खुलेगा और जिसमें co.in लिखा रहेगा। और उसके बाद जब आप उस पर आगे जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि जो सारी जानकारी को कहीं से लिया गया है, उसके बाद बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म का ₹500 पर पेपर वन, 1000 दोनों पेपर के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए ₹250 आपको जमा करना है और दोनों पेपर के लिए ₹500 जमा करना है। जमा कहाँ करेंगे तो जेक के साइट पे नहीं करेंगे, ये इसमें जानकारी दी गई है जो पूर्ण रूप से फर्जी है। इसमें बताया गया है कि www.iispaper.net.jtet एप्लीकेशन फॉर्म, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो जेक का साइट खुलना चाहिए था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का साइट खुलना चाहिए था, लेकिन ये साइट खुल जा रहा है सीटेट, और इसके बाद आपको लगेगा कि सीटेट वाले ही जीटेट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से इसमें काम किया गया है, सीटेट और फिर लिखा गया है डॉट सीटेट डॉट और उसके बाद CO NIC की जगह में CO है और डॉट इन, इससे आपके दिमाग में आएगा कि सारे लोगों तो सीटेट वाले यूज किए गए हैं। हम आपको दोनों वेरिएशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट का ओरिजिनल वेबसाइट जो है CTET.NIC.IN है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा CTET.NIC.IN। तो NIC.IN पर जब जाएंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा जो है दिसंबर वाली, नवंबर दिसंबर वाली, वो एग्जाम के लिए एक फॉर्म निकाला गया है वो फॉर्म भरने के लिए, और वहीं से डेटा को चोरी किया गया है और उसमें जेटेट लिख दिया गया है, यानी कि ये पूर्ण रूप में फर्जीवाड़ा है। और ये कहीं से भी जैक ने ये वैकेंसी नहीं निकाली है, आज की तारीख तक में जैक ने 23 अगस्त तक में जैक ने यह वैकेंसी नहीं निकाली है, ये आपको स्पष्ट कर दे, 23 अगस्त 2019 तक जैक की वैकेंसी नहीं है झारखंड में, ये फर्जीवाड़ा है, ये जो बेरोजगार युवा हैं, जो लोग बीएड करके बैठे हुए हैं उन्हें ये फांसने का तरीका है और उनसे ₹1000 लेकर के ये करोड़ों में पैसा कमा सकते हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे सभी लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा से लोगों को शेयर कर दीजिए और जरूर से कमेंट कीजिए कि इसको कैसे रोका जाए ऐसे लोगों को जो फर्जी करते हैं। और इस समय में वायरल हो गया है ये मैसेज, हमारे पास तकरीबन 500 से 600 अलग अलग कैंडिडेट ने ये मैसेज को किया है, और हमने जब इसकी जांच की पिछले 15 दिनों से मैसेज वायरल है, और आज जब हमारी टीम ने जांच की तो हमने देखा कि ये फर्जीवाड़ा है, कहीं भी ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी जेटेट वाली टेट की वैकेंसी नहीं आई है 2019 की, एक गलत वायरल किया गया है। और अगर ये आई होती तो किसी न किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से होता, किसी न्यूज़पेपर में जरूर आता, क्योंकि प्रतिदिन जेटेट को लेकर के बातचीत होती है मीडिया के साथ में अधिकारियों की, और इसलिए ये कोई भी वैकेंसी नहीं है। जैक से भी हमने पता कर लिया तो ये पता चला कि ये पूर्ण रूपेण जो है ये गलत है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, सच्ची खबर और झूठी खबर दोनों का हम विशेष विश्लेषण करेंगे, और शेयर लाइक कमेंट भी जरूर